नवजात शिशु के छोटे या कम वजन में या कम उनकी लंबाई होने का जो मुख्य कारण है वो है कि माताओं का जो क्या पोषण है और माताओं के शारीरिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये होता है इंटरजेनरेशनल है, जैसे मान लीजिए कि जो फीमेल गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती हैं और उनको यदि प्रॉपर रियरिंग नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण यदि प्रॉपर उनका खाना पीना नहीं हो पाता है तो वो बच्चियाँ जो हैं आगे चल के भी कम हाइट की रह जाती, कम वजन की रह जाती हैं, और फिर जब वो खुद एक बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बच्चा एक कुपोषित हो सकता है और बच्चा कम वजन का। तो पहला हुआ कि माँ का हाइट, माँ का वजन, माँ का स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर कैसा है वो। दूसरी बात है कि बच्चे का जो माँ के गर्भ में बच्चे को कितना पोषण मिल पा रहा है प्लेसेंटा के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और तीसरा है कि माँ को कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समस्याएं हो जाती हैं जिसमें बच्चों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, माता पिता कैसे समझे कि उनका बच्चा जो है वो कुपोषित है या कमजोरी है उसमें बाकी बच्चों के मुकाबले? तो माता पिता को ये देखना है कि जो बच्चे का एक हर एक स्वस्थ बच्चे का एक खास जो जन्म होता है उसके एक खास लंबाई होती है और खास वजन होता है। जैसे हम अभी इंडियन स्टैंडर्ड से बात करें अपने देश के हिसाब से, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री आल्सो, क्योंकि उनके रेशियल वेरिएशन है, उनके कंट्री का एक जो जेनेटिक मेकअप है, वहाँ का एनवायरनमेंट है। लेकिन हम अपने कंट्री की बात करें तो नॉर्मल जो एक वजन है एक पूरे समय में जो बच्चे का जन्म होता है उसका एक कारण महत्व उसका एक वजन जो है लगभग 2.8 से 3 kg होता है और लंबाई जो है लगभग 50 cm होती है। तो जब माँ को लगे कि भाई बच्चे का वजन जो लगभग 3 kg से कम है, यदि सही में हम लोग उसको परिभाषित करें तो 2.5 kg से कम का बच्चा यदि है तो उसको हम लोग लो बर्थ वेट बोलते हैं, और उस तरह से 50 cm से कम यदि उसकी लंबाई है तो उसको कहा जाएगा कि वो बच्चे की लंबाई कम है। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं या फिर कोई ऐसे साइंस होते हैं जिन्हें देखकर माता पिता को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर से एक बार मुलाकात कर लेनी चाहिए? जी, तो ये तो मैंने अभी जो बताया कि एक मतलब जन्म के समय क्या है, उसके बाद जो है एक खास पैटर्न है वेट गेन का और लेंथ हाइट का गेन का। यदि लगे कि एक जैसे शुरुआती में 2 से 3 महीने में लगभग 20 ग्राम या 30 ग्राम पर डे जो है वजन बढ़ना चाहिए, उसके बाद 20 ग्राम पर डे बढ़ता है, उस तरह से लंबाई भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो यदि लगे कि भाई जो प्रॉपर यदि उसकी लंबाई बाकी बच्चों की तुलना में और एक खास रफ्तार से लंबाई या ऊंचाई नहीं बढ़ रही है और वजन नहीं बढ़ रहा है तो माता पिता को चिंतित होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं ये भी दोहराना चाहूँगा कि ये ऐसा है कि माता पिता के हाइट पे भी ये निर्भर करता है कि बच्चे की क्या हाइट होगी। बहुत बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं हम लोगों के पास जब वो बताते हैं कि भाई मेरा बच्चा का हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे ये समझाने की ज़रूरत होती है कि भाई माँ और बच्चे की हाइट जो है वो एक जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी। तो जेनेटिक फैक्टर से मेरा मतलब है कि मदर फादर की हाइट कम है तो उसको हम लोग मिड पेरेंटल हाइट एक कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे की क्या हाइट आपकी होनी है। और दूसरी बात है कि यदि माँ बाप की हाइट ठीक है और बच्चा यदि प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा, उसको भरपूर उसका उसके खाने पीने का पूरा मतलब पोषण नहीं हो पा रहा है और साथ में बच्चे का यदि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मदर को बच्चे को प्यार अफेक्शन और ये केयरिंग होना चाहिए, तो वो सब यदि नहीं हो पा रहा है तब भी उससे उसके फर्क पड़ता है कि बच्चे का वजन और बच्चे की लंबाई में पे होगा। तब कुपोषण का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और साथ में पेरेंट्स का क्या उसका हाइट जी।